बस सीधी सी बात है कि अगर वहाँ आगे कोई जाम लगा हुआ है या आगे बहुत धीरे गाड़ी चल रही है या अजीब सी गाड़ी कोई चला रहा है, तो यही कहा जाता है शायद ये लड़की गाड़ी चला रही है। आई सडनली स्टार्टेड सेइंग माय हस्बैंड कि मैंने ड्राइविंग सीखना है, और उनका भी फर्स्ट रिएक्शन यही था, नहीं, लड़कियाँ तो ड्राइव नहीं कर सकती। शायद डर है कि अगर ज़्यादा औरतें चलाएंगी वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। उनका ईगो होता है शायद मर्दों का कि भाई हम तो चला रहे हैं गाड़ी, हम तो सही चलाएंगे। हमारे आगे एक गाड़ी खड़ी थी जो महिला चला रही थी। मैंने पहले तो समझ में नहीं आई मुझे बात कि भाई ये गाड़ी क्यों खड़ी है, सारे सिग्नल लोगों के आगे की सारी गाड़ी चली गई है। फिर मैंने उतर के देखा तो देखा कि वो लिपस्टिक लगा रही थी अपने फोटो पे। तो ऐसे इंसिडेंट्स तो मर्द भी कर सकते हैं, कुछ खड़े होते हैं, कुछ सिग्नल पे सो जाते हैं, कुछ स्मोक कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हम किसी मोड़ पे हम ट्रैफिक रूल्स का को फॉलो नहीं करते उतने तरीके से जितने तरीके से औरतें करती। पर हाँ, एक शायद ये ऑरा है कि जेंट्स अच्छी गाड़ी चलाते हैं। मैं मर्दों को ये कहना चाहूँगी कि उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। औरतें अब इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उनकी इंडिपेंडेंस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मैं अपनी कार पुल करती हूँ और मैं बस, मुझे किसी को देखना नहीं है कि कोई मुझे लेके जाएगा या कोई भी काम करना है, एनीथिंग। मैं कॉन्फिडेंटली करती हूँ।